हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सुजुकी की आने वाली नई SUV जिमी सीरा। दोस्तों जैसा कि हम आपको बताते हैं कि सुजुकी ने कुछ ही महीने पहले अपने पॉपुलर SUV जिमी के फोर्थ जनरेशन 2018 मॉडल के बारे में जानकारी दी थी। कंपनी ने जिमी के चौथे जनरेशन मॉडल की अगर बात करें तो जिमी सीरा को जापान में लॉन्च कर दिया गया है। SUV की चाह रखने वाले के लिए दोस्तों एक खुशखबरी ये है कि सुजुकी पावरफुल कार बाजार में आ गई है और ये बहुत ही दोस्तों अट्रैक्टिव कार है और इसमें देखने से ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ जाएगी। भारत में SUV को कब लॉन्च किया जाएगा दोस्तों अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। अगर भारत में ये कार लॉन्च होती है दोस्तों तो इसका सीधे जो मुकाबला होगा वो महिंद्रा की थार से होगा। दोस्तों बात की जाए इसकी कीमत की तो हम आपको बताते हैं कि सुजुकी की जिमी की जो कीमत है दोस्तों जापान के अंदर वो तकरीबन 14.58 लाख रुपए रखी गई है, जबकि जिमी सीरा की अगर बात करें तो 17,60,400 रुपए दोस्तों इसमें ये रखी गई है। यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा अगर एक पैरामीटर देखा जाए तो 10.94 लाख के करीब से 12.85 लाख तक दोस्तों ये इसका जो फुल जो प्राइस है दोस्तों वो मॉडिफाई हो सकती है। अब दोस्तों बात की जाए इसके अगर इंजन की तो हम आपको बताते हैं कि सुजुकी जिमी में आपको 658 cc का 3 सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगाया गया है और इस इंजन में 64 bhp की पावर और 96 का इसमें NM टॉर्क प्रदान करने की क्षमता है। वही जिमी सीरा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15B 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 100 bhp की पावर के साथ 130 NM का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है या फिर बात करें 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांजिशन से लैस किया गया है। इस SUV 40 किलोमीटर प्रति घंटे का इसमें ये माइलेज देती है। जिमी सीरा का इंटीरियर और एक्सीलेटर काफ़ी ज़्यादा दमदार है और इसमें डेटा टाइम रनिंग के लिए इसमें LED से लेस ऑटो LED प्रोजेक्टर हैंडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अलावा मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन फोल्क लैम्प्स और 6 एयरबैग ABS ADB ACP इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिस्पोंसर वार्निंग और इसके अलावा ट्रेकल कंट्रोल आदि फीचर इसमें दिए गए हैं। साथ ही में FM USB स्टूडियो सिस्टम AC और पावर विंडो भी इसमें मिल जाती है। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ रहा वाले रास्तों में ओबर खबड़ वाले रास्तों में आसानी से इसको चलाया जा सकता है। इससे पहले अधिक लंबी और नई जिगनी मिल की जो लंबाई थी दोस्तों वो तकरीबन 3,550 मिलीमीटर थी। आई होप कि दोस्तों हमारी दी जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।